हेलो स्टूडेंट्स, राणा केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन। ये शॉर्ट आंसर में बहुत पूछा जाता है कि आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखिएगा, आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को प्रूव भी किया था और वहाँ पर आपने देखा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। एक बार हम आपको दिखाते हैं, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है d2 psi / dx² d2 psi / dy² d2 psi / dz² 8 pi² m e - b psi / h² = 0। एक्चुअल में ये दो बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये इक्वेशन हमको मिलती है, इसलिए इसको बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़िएगा, करा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके डिफरेंट सोल्यूशन पॉसिबल हैं, लेकिन सभी सोल्यूशन की वैल्यू मीनिंगफुल नहीं होती है। अतः श्रोडिंगर के वे सोल्यूशन जिनकी वैल्यू मीनिंगफुल होती आइगन वैल्यू कहलाती है। इस वैल्यू के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले वे फंक्शन को आइगन वैल्यू फंक्शन कहते हैं। इसे साई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, वे फंक्शन साई के केवल वही सोल्यूशन वैलिड होते हैं जो फॉलोइंग कंडीशन को कंप्लीट करते हैं। अब इसका मीनिंग क्या हुआ वो हम आपको समझा रहे हैं। आपने जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी, मैंने सेवेंथ लेक्चर में बात की थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सोल्यूशन की। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी उसके दो टाइप के टर्म मिले थे, एक आपको मिला था ई और एक मिला था साई। जो ई था इसको कहा गया था अलाउड या क्वांटाइज या पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स या लेवल, और ये इसी के जो करस्पॉन्डिंग हमको मिला था टर्म वो मिला था आपका वेव फंक्शन। क्या मिला था? वेव फंक्शन। मैंने कहा था कि न्यूक्लियस के चारों बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स हैं, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, और उन एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग हमारे वेव फंक्शंस होते हैं। जैसे अगर पहला एनर्जी लेवल है साई वन, तो इसके करस्पॉन्डिंग होगा वेव फंक्शन साई वन। ई टू के करस्पॉन्डिंग होगा साई टू। ई थ्री के करस्पॉन्डिंग होगा साई थ्री। ई फोर के करस्पॉन्डिंग होगा साई फोर। ई फाइव के करस्पॉन्डिंग होगा साई फाइव। तो ऐसे ही यानी कि श्रोडिंगर को सॉल्व करने पर ये जो दो टर्म मिले थे, क्लियर, और मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के चारों बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं और उन एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं? वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या होता है? वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखता है। क्लियर यहाँ तक? अब बात आ रही है कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन का अर्थ होता है, जैसे आपने क्योंकि इसको दो बार डिफरेंशिएट किया गया है, आपने जो टेंथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था कि जो दो टाइप के रिजल्ट्स आते थे, तो जैसे प्लस माइनस फाइव आ जाता था तो उसमें प्लस की वैल्यू कंसिडर कर लेते थे, माइनस की वैल्यू छोड़ देते थे, जिसमें आपने धाराचार विधि और तमाम ऐसी चीज़ें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रिजल्ट्स आते थे तो सर कहते थे कि इसमें ये वाली वैल्यू आंसर, इसको ये वैल्यू आंसर में रख दो, ये वैल्यू मान लो और ये वैल्यू आप क्या कर दो, इसको रिजेक्ट कर दो। तो ऐसे ही क्या है कि जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो उसके जो सॉल्यूशंस आए तो उनमें कुछ सॉल्यूशंस ऐसे थे जिनकी वैल्यू एक्सेप्ट यानी कि कह सकते हैं मीनिंगफुल थी, उनको एक्सेप्ट कर लिया गया और उन वैल्यू को बोल दिया गया था आइगन वैल्यू। और इन आइगन वैल्यू के, ये आइगन वैल्यू वही हैं वो एनर्जी स्टेट्स, डिफरेंट एनर्जी स्टेट जिनको आप लोग क्वांटाइज एनर्जी स्टेट बोलते हैं, यहाँ पर इनको क्या बोल दिया गया? आइगन वैल्यू। क्या बोल दिया गया? आइगन वैल्यू। और इन आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो हमारे वेव फंक्शन थे उनको यहाँ पर कह दिया गया आइगन वैल्यू फंक्शन। तो ओवरऑल जो वहाँ पर ई और साई या ई वन साई वन थे, तो यहाँ पर उनके नाम बदल के क्या बोल दिए गए? आइगन वैल्यू। और इनके करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन थे उनको बोल दिया गया आइगन वैल्यू फंक्शन। समझ आ रहा ना? रिप्रेजेंटेशन क्या है? साई, पहले से ही हमको मालूम है। क्लियर, लेक्चर 7 जरूर देख लेना तो ये बहुत क्लियर आपके समझ में आएगा। नीचे लिखा कि वेव फंक्शन साई के केवल वही सोल्यूशन वैलिड होते हैं जो फॉलोइंग कंडीशन को कंप्लीट करते हैं। तो कुछ कंडीशंस हैं, ये आप लोग थोड़ा सा इनको रीड कर लीजिएगा। पहली कंडीशन है कि वेव फंक्शन फाइनाइट और कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। पहला यही है कि जो वेव फंक्शन साइन है सॉरी वेव फंक्शन साई है उसकी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए और कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, पहली चीज़। ओके, दूसरा क्या है? साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, यानी सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड का अर्थ यह है कि किसी एक लोकेशन पर, किसी एक लोकेशन पर ध्यान रखिएगा, साई की केवल एक वैल्यू ही मिलेगी। किसी एक लोकेशन पर साई की एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। किसी एक पॉइंट पर साई की केवल एक ही वैल्यू होगी, तो इसीलिए कह रहा कि साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। दूसरी चीज़ है कि डेल साई ओवर डेल एक्स, डेल साई ओवर डेल वाई, डेल साई ओवर डेल जेड आर कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस फंक्शन
ऑफ एक्स वाई जेड, क्लियर। तो ये जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं एक्स वाई जेड के, क्लियर। यहाँ पर साई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया गया, यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में और यहाँ जेड के रिस्पेक्ट में। एक कुछ कंडीशंस हैं जो आइगन फंक्शन के लिए कंपलसरी हैं। फिर जो लास्ट एक सॉरी दो पॉइंट और हैं, करा इट्स वैल्यू ट्रेंड टू जीरो एट इन्फिनिटी, इसकी जो वैल्यू है वो जीरो से इन्फिनिटी तक होती, कहाँ तक होती है, जीरो से इन्फिनिटी तक। क्यों, आपको मालूम है कि टोटल ओवरऑल जो न्यूक्लियस के चारों जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की बात आ रही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तो लोकेशन फिक्स नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो जीरो से लगा के इन्फिनिटी, एक लॉन्ग रेंज तक हम लोग इसको लेते हैं, क्लियर। उसके बाद फिर क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सोल्यूशन को फॉलोइंग रिलेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सोल्यूशन को फॉलोइंग रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कहने का अर्थ है कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो सोल्यूशन आए वो सोल्यूशन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, जो सोल्यूशन आए वो सोल्यूशन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सोल्यूशन क्या है, इंटीग्रेट यानी समाकलन यानी इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी साई डी आर इजकल टू जीरो। यहाँ पर जो डी आर है ये वेरी स्मॉल वैल्यू, इन पर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे कि ये क्या है, बट अभी आप लोग याद रखिएगा कि ये सिंगल वैल्यूड होते हैं, ये वाला डेल साई ओवर ये कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हैं, उसके बाद ये वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी तक, इस पर भी हम आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे, और ये वाला रिलेशन, ये रिलेशन जीरो से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी साई डी आर, ओके। अब आगे देखिए, आगे क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सपोर्ट वोहर थ्योरी। अब बात आ रही है कि अगर इसी के साथ आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन के साथ में अगर ये भी लगा हुआ है साथ में क्वेश्चन के कि वोहर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सपोर्ट वोहर थ्योरी, यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने कैसे वोहर थ्योरी को सपोर्ट किया था, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी इसी टॉपिक में हम कंप्लीट करते हैं कि किस प्रकार से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है बोहर पास्टुलेट्स या बोहर कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती, इस चीज़ को समझते हैं, क्लियर। अब आपको याद होना चाहिए कि जो नील बोहर की जो थ्योरी थी उसमें क्या कहा गया कि न्यूक्लियस और इसके चारों ओर बहुत सारे ये एनर्जी लेवल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, क्लियर। ये पहला एनर्जी लेवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इनको एनर्जी लेवल भी कहते हैं और इनको हम लोग सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, सेल भी कहते हैं, जिनको हिंदी में कक्षाएं या कोष कहा जाता है। इतनी बात समझ आ रही ना, तो ये नील बोहर का कॉन्सेप्ट था। तो श्रोडिंगर ने कैसे नील बोहर के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया उसको जरा समझते हैं। नील बोहर ने कहा था कि न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारी डिफरेंट सेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं। श्रोडिंगर क्या बोले, श्रोडिंगर बोले कि ये जो अलाउड एनर्जी लेवल्स हैं, अलाउड एनर्जी लेवल्स हैं, इनके करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, वेव फंक्शंस होते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो आइगन वैल्यू निकाली, क्योंकि श्रोडिंगर को जब सॉल्व किया गया तो उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस आए और जो उनमें से कुछ सॉल्यूशंस हमने एक्सेप्ट कर लिए, एक्सेप्टेबल थे, और कुछ को रिजेक्ट कर दिया, क्लियर। तो जो एक्सेप्टेबल थे उनको आइगन वैल्यू कहा और उनके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शंस मिले उनको आइगन फंक्शन कहा। तो श्रोडिंगर ने नील बोहर ने क्या किया था, नील बोहर ने डिफरेंट एनर्जी लेवल यानी न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट अज्यूम की। नील बोहर ने न्यूक्लियस के चारों ओर क्या मानी, विभिन्न कक्षाएं मानी और उन कक्षाओं को क्या कह दिया गया, सेल कह दिया गया। ये बोहर पास्टुलेट थी। श्रोडिंगर ने क्या किया, श्रोडिंगर ने उन एनर्जी लेवल्स को क्या कहा, उन एनर्जी लेवल्स को अलाउड एनर्जी लेवल्स, या उनके लिए वर्ड क्या लगाया, आइगन वैल्यू। ये आइगन वैल्यू श्रोडिंगर के द्वारा शब्द दिया गया है और जो बोहर के द्वारा जो वर्ड दिया गया वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स या सेल। कहानी इतनी समझ में आ रही है। जो आइगन फंक्शन श्रोडिंगर ने कहा जो आइगन फंक्शन की जो आइगन वैल्यू हैं, इन आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, हमारे आइगन फंक्शन होते हैं, और इन आइगन फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इन आइगन फंक्शंस को हम लोग कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। इस चीज़ को ज़रा समझने का प्रयास करिएगा कि श्रोडिंगर ने उन एनर्जी जो नील बोहर ने एनर्जी डिफरेंट एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के चारों ओर माने, जो सर्कुलर ऑर्बिट्स मानी, उनको उन्होंने सेल कहा बोहर ने, और श्रोडिंगर ने उनको क्या कह दिया, आइगन वैल्यू। कहानी समझ आ रही ना, इन आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शंस हैं उनको आइगन फंक्शंस कहा, और एक्चुअल में ये जो आइगन फंक्शन होते हैं ये श्रोडिंगर ने कहा ये बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये क्या हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जो आइगन फंक्शंस हैं ये बेसिकली हैं क्या, एटॉमिक
ऑर्बिटल्स, क्या है ये? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैन स्टे, इलेक्ट्रॉन कैन स्टे, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, ठहर सकता है। तो ओवरऑल हमने इस लेक्चर में ये जानना चाहा कि आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन होते क्या हैं, तो उस पर हमने चर्चा की कि आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसके कुछ की पॉइंट याद रखिए कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसको सॉल्व किया, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिले, कुछ सॉल्यूशंस जो एक्सेप्टेबल थे उनको आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू कहा, इन आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो हमको फंक्शन मिले उनको आइगन वैल्यू फंक्शन कहा, इनको साई से रिप्रेजेंट किया, इस साई की कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को हमने बारीक से पढ़ा, क्लियर। ये जो रिलेशंस हैं इन पर हम बहुत आगे डिटेल की बात करेंगे कि ये वैल्यू जो है जीरो से इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू होती है, उसके बाद यहाँ पर ये समाकलन जीरो से इन्फिनिटी साई डी आर, ओके। तो इस लेक्चर में हमने आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन को कंप्लीट किया, ओके। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स की, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।